प्यारे पंजाब वासियों, भारत आज एक अहम मोड़ ते खड़ा है। मेरी बड़ी इच्छा सी कि मैं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश अते मणिपुर ते भैणा ते भरावां नाल उत्थे जा के देश अते सूबे दे हालात बारे चर्चा करां। मौजूदा स्थिति विच डॉक्टरां दी राय नू ध्यान विच रखते हुए मैं इस वीडियो संदेश राही तुहाडे नाल गल कर रहा हाँ। अज की स्थिति बहुत चिंताजनक है। करोना दे दौर विच केंद्र सरकार दीयां कोझियां नीतियां कारण जिथे एक पासे लोग डिग रही आर्थिकता वधदी महंगाई अते बेरोजगारी तो परेशान हैं, दूजे पासे साढ़े अज दे हाकम साढ़े 7 साल सरकार चलाउन दे बाद भी अपनी गलतियां नू मन के उन्हां विच सुधार करन दी बजाय लोकां दीयां समस्यावां लई अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू नू जिम्मेदार ठहराउन विच लगे हैं। मैं स्पष्ट तौर ते मनदा हाँ कि प्रधानमंत्री दे अहुदे दी एक खास महत्ता हुंदी है अते इतिहास ते देश दोष लगा के अपने गुनाह घट नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री दे तौर ते 8-10 साल काम करदे हुए मैं खुद ज़्यादा बोलन दी बजाय अपने काम दे बोलन नू तरजीह दित्ती। असी अपने सियासी लाभ लई कदे देश दी वंड नहीं कीती, कदे सच ते पर्दा पाउण दी कोशिश नहीं कीती, कदे देश अते अहुदे दी शान नू घट नहीं होण दित्ता। हर मुश्किल दे बावजूद असी अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भारत अते भारतीयां दा माण वधाया। मैनू इस गल की तसली है कि मेरे उपर चुप, कमज़ोर अते भ्रिष्टाचार दे दोष लगाउण वाली भाजपा सरकार अते इस दियां बी ते सी टीमां दा प्रचार अज देश दे सामने बेनकाब हो गया है अते देश 2004 तो 2016 तक दे साढ़े चंगे कामां नू याद कर रहा है। कुछ दिन पहला प्रधानमंत्री दी सुरक्षा दे नाम ते पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी अते इत्थों दे लोकां नू बदनाम करन दी कोशिश कीती गई, जिस नू किसे भी पक्खों नई अमल नहीं मनिया जा सकता। इस तरह किसान अंदोलन दौरान भी पंजाब अते पंजाबीयत नू बदनाम करन दी कोशिश कीती गई, जिन्हां पंजाबियों दी दलेरी, बहादुरी, देशभक्ति अते कुर्बानी नू पूरी दुनिया सलाम करदी है, उन्हां पंजाबियों बारे की कुछ नहीं किया गया। पंजाब दी धरती विचों पैदा होए एक सच्चा भारती होण दे नाते मैं सारे मामले तो बहुत दुख होया। मौजूदा सरकार नू आर्थिकता दी कोई समझ नहीं है। उन्हां दियां गलत आर्थिक नीतियां कारण देश आर्थिक मंदहाली दी जकड़ विच फस गया है। अज बेरोजगारी सिखर ते है। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, औरतां सब परेशान। देश दे अन्नदाता दाने दाने दे मुहताज हो रहे हैं। देश विच समाजिक असमानता
वध रही है, लोगों ते कर्जा लगातार वध रहा है, जबकि कमाई घट रही है, जिस नाल अमीर हो रहे हैं अते गरीब और गरीब हो रहे हैं। पर ये सरकार दे अंकड़ियां दा धोखा करके सब कुछ चंगा दस रही है। इस सरकार दी नीति अते नीयत दोनों विच खोट है। हर नीति विच स्वार्थ है अते नीयत विच नफरत अते वन। अपने स्वार्थ नू साबित करन लई लोकां नू जात धर्म अते खेतर दे नां ते वंडिया जा रहा है, उन्हां नू आपस विच लड़ाया जा रहा है। इस सरकार का नकली राष्ट्रवाद जिन्ना खोखला होगा उन्ना ही खतरनाक है। उन्हां दा राष्ट्रवाद अंग्रेजी दी पाड़ो ते राज करो दी नीति ते टिक्या होया है। जिहड़ा संविधान साढ़े लोकतंत्र दा आधार है, उस संविधान ते इस सरकार नू जरा भी भरोसा नहीं है। संविधानिक संस्थावां नू लगातार कमज़ोर किया जा रहा है। मसला सिर्फ देश दे अंदरली समस्या दा नहीं, ये सरकार विदेश नीति दे मोर्चे ते भी पूरी तरह फेल साबित हुई है। चीनी फौजी पिछले एक साल तो साड़ी पवित्र धरती ते बैठे हैं, पर इस पूरे मामले नू दबाउण दी कोशिश कीती जा रही है। पुराने दोस्त लगातार साढ़े नालों टुटते जा रहे हैं अते नाल ही गुआंढी देशां नाल भी साढ़े संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हाँ कि हुण सत्ताधारियों नू ये समझ आ गई होगी कि नेतावां नू जबरदस्ती जफ़ी पाउण, उन्हां नू झूठे दवाउण या बिना बुलाए बिरयानी खाण पहुँच जाण नाल देश दे रिश्ते नहीं सुधर सकते। सरकार नू ये भी समझ लेना चाहिदा है कि अपनी सूरत बदलन नाल सीरत नहीं बदलदी। जो भी सच है वो हमेशा किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाता है। वड़ियां वड़ियां गलां करना बहुत आसान है, पर उन्हां गलां नू अमली जामा पहनाना बहुत औखा होता है। इस समय पंजाब समेत देश के पांच राज्यों में चोणा हो रही हैं। इन्हां चोणा का कारण पंजाब की जनता के सामने बड़िया बड़िया चुनौतियां हैं, जिन्हां का ठीक तरीके नाल मुकाबला करना बहुत जरूरी है। पंजाब के विकास की समस्या, खेती विच खुशहाली की समस्या अते बेरोजगारी की समस्या नू सुलझाना बहुत जरूरी है। ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। मेरी पंजाब की जनता अगे बेनती है कि अपना कीमती वोट वध चढ़ के कांग्रेस पार्टी नू ही दियो। बहुत बहुत धन्यवाद।